आई वॉज लाइक वाओ, क्यों मैंने किया, क्यों मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया, ऐसे मुझे लग रहा है। ये देखो बहुत ही यम्मी लग रहा है। देखो शूट चालू किया नहीं कि ये सताने वाले आ गए हैं यहाँ पे। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. World seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. वेलकम बैक। और आज है थर्सडे और आज अभी बज रहे हैं 12 के अराउंड। आपने देखा हमारा सुबह का नाश्ता, आज मैंने बनाया था फ्रेंच टोस्ट और चाय। तो मेरी मम्मी को वैसे बहुत पसंद है फ्रेंच टोस्ट, इसीलिए मैंने बनाया था। और अभी सोच रही हूँ कि मतलब मैं खाना बनाऊँ, मतलब कुछ तो अलग बनाऊँ, क्या बनाऊँ। मेरे तो मेरे मम्मी को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पनीर की सब्ज़ी बनाऊँ, वो दही वाली। आप लोगों को मैं पहले से ही रेसिपी दे चुकी हूँ पनीर टिक्का ऑन पैन, अगर आपको देखना है तो आप सर्च करके देख सकते हो, शायद इसी वाले, हाँ इसी वाले चैनल पे है। अगर इस वाले चैनल पर नहीं मिला तो मेन चैनल पर देख लेना। और आज मेरा शूट था ये शैम्पू एंड कंडीशनर का, तो जैसे मतलब मैं नहा के आई हूँ ना, तब से मेरे को ऐसा सुस्त सा फील हो रहा है, बट बहुत कुछ है दिन में करने के लिए। कल जितना भी मैंने मतलब स्किन केयर का वगैरह वगैरह सब वीडियोस बनाए, उसके मुझे इंट्रो शूट करना है और क्या 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 नहीं करना है, खाना बनाना है, फर्स्ट बेडरूम साफ करना है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। तो ये वाला मैंने ढीला ढाला सा टॉप पहना है और इसके स्लीव्स मुझे काफ़ी पसंद है, देखिए ना ऐसे बलून स्लीव्स टाइप में है। और ये मैंने अजियो से लिया था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अजियो का हॉल जो है वो दिखाइए, तो मैं ज़रूर से जल्दी से लेकर आऊँगी। अजियो का हॉल की बात करें तो कुछ आपको दिखाना तो बनता है। तो ये है मेरा कबर्ड, और मेरा कबर्ड इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है, इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है, ये आप देख रहे हो सब पार्सल से, 1, 2, 3 इतने सारे, ये यहाँ पे, इसके नीचे, तो ये सारा का सारा अजियो का स्टफ़ है। और ये मुझको इसका हॉल शूट करना है, अच्छे से अरेंज करके भी रखना है, नहीं तो ये तो पूरा 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 कबाड़ा जैसे हो गया है। तो गाइज़ आपको मैंने बताया था ना कि मेरा जो बीच वाला फ्रेम है उसका पीछे का जो पट्टी है वो लूज़ हो गया था, उसका ग्लू लूज़ हो गया, तो इसलिए मैंने अगेन 3 और सेट मंगा लिया, क्योंकि मेरा ये नहीं तो फिर बहुत ही ख़राब दिखता था लिविंग रूम का, तो इसीलिए मैंने दूसरा सेट मंगाया। तो इसके जो दो बाजू के हैं ना ये ब्लू है, और ये वाला सेम था, तो ये इसलिए मंगाया क्योंकि एक मैंने सोचा कि एक कहीं पे तो लगाने के लिए हो जाएगा, और दूसरा मैं मेरे सासू माँ को दे दूँगी,
तो उनके घर में भी एक लगाना था, तो इसीलिए मैंने ये वाला सेट लिया है। और निशांत जिसको फिलहाल लगा रहा है, तो ये वाला देखिए, ये इस तरीके से इसके साथ आए थे। तो ये वाला जो है ना, ये मैं देने वाली हूँ मेरे सासू मम को। तो इस तरीके से ये दोनों साइड में ऐसे आता है, खिला से टंगाना होता तो बहुत अच्छा होता। और एक प्रॉब्लम इसमें ये है ना, ये देख सकते हो थोड़ा ब्लैकिश टाइप में आया है ये। और हमारा पहले का ना, ये वापस गिर गया नीचे। ये पहले का देखो, लाइट इसका बैकग्राउंड था, तो ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। बाकी तो ये लगाना ही था, वरना बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता था। तो चलिए, पहले अभी मैं खाना बना लेती हूँ, और ये सारे बर्तन यहाँ पे धो के सुखाने के लिए रख दिए हैं। तो सबसे पहले खाना बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मैं फ्री हो जाऊंगी और फिर मेरे शूट के बीच में कोई आएगा नहीं। मेरा मैरिनेशन पनीर टिक्का का रेडी हो गया है। ये देखो, बहुत ही यम्मी लग रहा है। अभी इसका कुछ काम नहीं है, मतलब अभी इसको ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करना है, बस पैन पे रखना है और 5 to 10 मिनट्स हाई फ्लेम पे चलाना है, दैट्स इट। और अभी मुझे रोटी बनाना है, तो बोल सकते हैं 70% कुकिंग इज़ डन। और शाम को तो हम लोग कुछ मंगाने वाले हैं, तो शाम का तो कुकिंग नहीं है आज। मम्मी को मैगडी खाने का मन था, तो हम लोग मैगडी का मंगाने वाले हैं। एक्चुअली कल सुबह और शाम दोनों टाइम पे मेरा छोले का भाजी था, तो बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसको कुछ मतलब दूसरा चाहिए था और रात को कुछ उसने खाया भी नहीं, तो इसीलिए आज हम लोग मैगडी बनाने मंगाने वाले हैं। एंड दैट्स इट। अभी ये सब खाना बना के बाद में आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, अभी खाना वाना खा के हमारा हो गया है, और खाना खाने के बाद में हम लोगों ने कुकीज़ खा लिए हैं। हम लोग के यहाँ पे बहुत ही अच्छे कुकीज़ मिलते हैं। एक बेकरी है यहाँ पे टॉप इन टाउन करके, वैसे वो बेकरी बदलापुर में भी है, अंबरनाथ में भी है और कल्याण में भी है, इतना तीन तीन जगह पे है। तो वहाँ पे क्या मस्त कुकीज़ मिलते हैं, तो हम लोगों ने खाया। खास करके उसका कौन सा कुकीज़, श्रीयू बेरी कुकीज़ एक है। इसके बाद में हम लोगों ने पिस्ता मिल्क लिया था, और काजू किशमिश नहीं, सॉरी, काजू खसखस भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप यहाँ, एक मिनट, मम्मी बुला रही है। तो क्या बोल रही थी मैं? मम्मी मम्मी बुलाई थी इसीलिए। हाँ, तो वो जो कुकीज़ है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो हमारे फिनिश होने को आए हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लेकर आऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अगर आप नियर बाय हो तो ज़रूर ट्राई करना। और अभी खाने के बाद में बहुत नींद आने लगी है, मतलब इतना ऐसे बेकार होने लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब भी सो जाओ। समझ नहीं आ रहा, बट मुझे बहुत सारे वीडियोस जो है उसका इंट्रो वगैरह शूट करना है, तो करना ही है। और अभी मुझे मेकअप करना पड़ेगा, मन ना होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती कि यहाँ पे ये जो पूरा रूम है ना, ये कचरा कचर पट्टी हो गया है इतना, मतलब पूरा बॉक्सेस बॉक्सेस पार्सल्स बॉक्सेस और बहुत कुछ। थोड़ा सा झलक देख लो, ये देखो, ये पूरा सोफा जो है भर गया है, पूरा सोफा। वैसे कल मैंने क्लीनिंग की है ये आके, लग रहा है कि ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा भर गया है। तो मुझे मुझे पहले अब भी रेडी होना पड़ेगा और वीडियो शूट तो करने ही पड़ेंगे।
हेलो गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और पता नहीं यार सुबह से कौन कारपेंटर आ गया है हमारे बिल्डिंग में, काम चालू है। आपको आवाज सुनने दे रहा है? अभी बंद हो गया। ऐसे में मैं कैसे वीडियो शूट करूंगी? देखिए अरे बाप रे, इसका कब बंद होगा? मैंने सब मतलब ये जो खिड़की विड़की है सब बंद करके भी देख लिया, बट स्टिल इसका काम चालू ही है। ये देखो, शूट चालू किया नहीं कि ये सताने वाले आ गए हैं यहाँ पे। बाबा तुम नीचे उतरोगे तब मैं शूट करूंगी ना, आज पता नहीं बहुत ही ज्यादा अड़चने आ रही है। नीचे उतर जाओ बेटा, उतर जाओ, ये उतर। अरे उतर 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 उतर। मुझे नहीं लगता कि आज मेरे कोई भी वीडियो शूट होने वाले हैं। यहाँ पे इसका कॉल चालू है, वहाँ पे उसका कॉल चालू है, वहाँ पे कारपेंटर चालू है। इतनी बाधाएं। एक तो इनका पूरा सब काम करके दो दोपहर तक, खाना बिना बना के बाद में मैं सोचती हूँ कि मैं अभी बैठूंगी, मम्मी सो जाएगी और ये अपने काम में व्यस्त रहेगा, कुछ भी रहेगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। मेरा कॉल हो गया। तो क्यों बंद कर रहे हो तुम? उधर कभी हो गया लग रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रहा। हाँ वो एकदम से अचानक से आवाज आ जाएगा तभी समझेगा तुमको। तो दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद करने से भी आवाज आता है, उससे अच्छा तो मैं सो जाती। हाँ मुझे इतना सोने का मन था ना, बट तो भी मैं इतना वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ। मला काय ओरडते? म्हणजे मग कोणाला ओरडू? चिंटूला पण नाही ओरडू शकत मी, तुलाच ओरडू शकते। काय नाही, 5-10 मिनिटं तरी पण मी शूट करतच होते। चिंटू आई थी तो भी मैं फिर रिपीट करके शूट कर रही थी, उसमें कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, लॉग इन किया है गाइस। कल वो ऑयल का हुआ, लकीली वो ऑयल का हुआ मेरा वीडियो शूट करने के बाद में, और आज ये। हे गाइस, तो शूट तो मेरा हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बता दूं। तो आपको याद होगा कि मेरा एक वीडियो था कि निशान तभी मेरा हेयर स्टाइल बना रहा था, मेरे मेन चैनल पे मैंने डाला था हमारे एनिवर्सरी के पहले मई में। तो मैं यूट्यूब पे किसी का मतलब मैंने मेरे चैनल का भी किसी के साथ प्रमोशन करवाया नहीं है, और मैं भी किसी का अभी तक किया नहीं था मैंने। बट मुझे मतलब फर्स्ट रिक्वेस्ट आया था कि प्लीज़ आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कर दो, मेरा मतलब चैनल का प्रमोशन कर दो। और उस चैनल को लिटरली 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, और आपको पता होगा मतलब, और मैंने बोला था कि देखो इनका चैनल, और उन्होंने मेरे चैनल पे रेसिपी शेयर की थी, इट्स मी निधि करके उनका चैनल का नाम था। और मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई ना, मतलब मैंने उनका चैनल का एक तो प्रमोशन किया, मतलब इतना बड़े चैनल पे आपको अगर कोई प्रमोट करता है, वो भी मैं उसकी फ्रेंड नहीं हूँ कुछ भी नहीं, बस मैंने उसका चैनल जो है वो प्रमोट किया, और मैंने उनको बहुत सारा मोटिवेशन दिया इंस्टाग्राम पे, चैट्स पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया, उसके बावजूद भी मतलब तब से उन्होंने वीडियोज ही पोस्ट नहीं किए है। तो मई के बाद में मतलब मई 19 को उनका लास्ट वीडियो है, उसके बाद में उन्होंने वीडियोज ही पोस्ट नहीं किए है। और अभी भी मुझे गाइस बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मेरा चैनल प्रमोट कर दो, बट मैं अभी से जो है बिल्कुल भी कोई भी चैनल प्रमोट करने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहा है। और चैनल प्रमोशन करने का ना गाइस मैं आपको एक बता देती हूँ, जब मेरा चैनल नया नया था, अब ये भी चैनल मेरा नया नया ही है, कोई भी यूट्यूबर जो है ऐसे बिना क्या उसको बोलते हैं
फायदे के प्रमोट करता नहीं है प्रोडक्ट ये चैनल, तो मैं भी किसी के पास कभी भी गई नहीं, और अगर मैंने कभी किसी के पास अप्रोच करने का सोचा भी तो कोई रिप्लाई भी ऐसे भी नहीं आया, मतलब मेरे लेवल के चैनल के सब्सक्राइबर्स के लोगों का भी रिप्लाई नहीं आता है, तो सोचो कि कितना ज़्यादा ये यूट्यूब का वर्ल्ड ये है। तो फिर इतने इसमें मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा कोई मतलब रिप्लाई भी नहीं करता था मेरे इनिशियल डेज में, और अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यूट्यूबर्स से मेरा रिलेशनशिप। मतलब आप सोच सकते हैं कि कोई मेरा फ्रेंड है ही नहीं यूट्यूब में दूसरा यूट्यूबर। तो फिर ऐसे इसमें जब मैंने किसी का चैनल प्रमोट किया तो मुझे उससे हाई एक्सपेक्टेशन थी कि बाबा इसका डेडिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अब इसको हार्डवर्क करना चाहिए, और हार्डवर्क के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है यूट्यूब में अगर आपको बढ़ना है। तो भी मतलब मैंने उसका इतना अच्छा मतलब रेसिपी वगैरह दिखाया, ये सब वगैरह हो गया, उसका वीडियोज ही नहीं है, तो आई वॉज लाइक वाओ क्यों मैंने किया, क्यों मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया, ऐसे मुझे लग रहा है। तो यही बहुत मतलब बुरा लगा, बहुत डिसअपॉइंटिंग फील हुआ। तो अगर आपका भी यूट्यूब का चैनल है गाइज, और आपका चैनल बहुत छोटे लेवल पे है, अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, किसी को जाके रिक्वेस्ट मत कीजिए मेरा चैनल प्रमोट कर दो। प्रमोट करने से ना पहली बात तो कुछ भी आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर जो सब्सक्राइबर्स होंगे, जो व्यूअर्स होंगे, वो एक पर्टिकुलर पर्सन से अटैच्ड होते हैं, तो फर्स्ट वीडियो के प्रमोशन से ना इतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है, उल्टा रिवर्स एक्शन हो जाता है कि हम लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मेरे भी वीडियो के साथ में, फर्स्ट वीडियो के साथ में ऐसे ही हुआ था जब मैंने उसका वीडियो जो है वो पोस्ट किया था। तो फर्स्ट तो ये है, और सेकेंड कोई करता भी नहीं है, तो आप हार्डवर्क रखिए, डेडिकेशन रखिए, वीडियोस पोस्ट करते जाइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, रेगुलर वीडियोस डालना है, एक साल दो साल कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखिए अपने यूट्यूब चैनल से, और फिर आपका कंटेंट अगर अच्छा होगा तो आपकी ग्रोथ जो है ये पक्का है कि ग्रो होगा ही। तो यही है मेरा, मुझको एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना था काफ़ी दिनों से, और जो एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं, नए नए यूट्यूबर्स हैं, उनको मैं गुड लक जो है विश करना चाहूँगी, और मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए ये वो यूट्यूबर्स के पास जाने के लिए और मुझे प्रमोट कर दो ये बोलने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा है, सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए इस यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी बैठे हैं, तो इसीलिए। एंड दैट्स इट, मुझे लगता है ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे वीडियोस जो है वो शूट करने हैं, और मैं गाइस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।